नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के शव गृह की ये तस्वीरें, जहां पर मुझे ये खबर करते हुए और ये खबर दिखाते हुए काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है। दुख इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो वॉलेट आप देख रहे हैं ये बीरबल सिंह का ही वॉलेट है और उन्हीं की खुद की तस्वीर है, और उनकी तस्वीर और उनका पर्स हाथ में लिए इस वक्त आपके यानी उनके जो पिता हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि अब एक पिता के हाथ में अपने बच्चे का महज ये पर्स ही रह गया है। कल बीरबल सिंह की एक सड़क हादसे में एक गाड़ी के साथ आमने सामने टक्कर बताई जा रही है। परिवार के अन्य सदस्य भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। असंद और निसिंग के बीच का एक गांव है उपलानी, और उपलानी के ही रहने वाले एक यानी निजी अस्पताल में काम करने वाले दिहाड़ी मजदूरी करते थे, और ऐसे में जो उम्र बताई जा रही है बीरबल सिंह की वो महज 25 से 26 साल थी, और एक पिता ने अपना बच्चा खो दिया। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। शेयर इस वजह से करें ताकि एक पिता को इंसाफ मिल पाए, क्योंकि जो परिवार वाले हैं वो कार्रवाई चाहते हैं उस गाड़ी वाले पर भी जिसकी वजह से ये एक बड़ा हादसा हुआ, या फिर पुलिस इस मामले की जाँच करेगी कि आखिर हादसे का कारण क्या था। लेकिन आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है। आप बीरबल सिंह के पिताजी हैं जी। क्या नाम है अंकल जी आपका? सुबह सिंह है जी। क्या हुआ, क्या था, कब आपको जानकारी मिली बच्चे के बारे में? रात को मिली मेरे को जी। रात को मिली? हाँ जी। बाइक पे थे आपके बच्चे? बच्चा बाइक पे था जी। कौन सी बाइक थी? पलटी डॉक्टर की ले गया, मैंने पता नहीं जी कुछ। किसी और की बाइक थी? डॉक्टर साहब देता लेट हो जाए कई बार, और वो उसकी गड्डी लेकर चले जावा। कहाँ के रहने वाले, कहाँ के हो आप लोग? उपलानी के हम तो जी। तो परिवार में कौन कौन है बीरबल सिंह के, मतलब शादीशुदा थे? शादीशुदा है बीरबल जी। बच्चे वगैरह भी? बच्चा एक लड़का है जी, एक बेटा है आगे। हाँ जी। छोटा सा होगा? छोटा सा जी, 10 महीने का जी। 10 महीने का बच्चा? हाँ जी। शादी को कितना समय हो गया? 4 साल हो गए जी। 4 साल हो गए? हाँ जी। बड़ा दुखद है ये तो। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे हैं? एक लड़की, 2 लड़के जी। 2 लड़के? तो ये सबसे बड़ा था? सबसे बड़ा लड़का था जी। सबसे बड़ा लड़का था आपका? सबसे छोटा लड़का एक। क्या काम क्या करते थे? मैं भी मजदूरी कर रही हूं जी। और ये क्या काम करते थे? ये हॉस्पिटल वगैरह में लगे हुए थे? बस प्राइवेट ही लग रहे थे, 5-4 हज़ार रुपये लेते हुए अपना काम चला। पता लगा आपको? रात ही होया तो जी। ये भी सेलर में थे जी। कितने बजे का हादसा था? ये 10:30 बजे का। कौन सी जगह हादसा हुआ अंकल जी? ये राणा फार्म के पास ही। राणा फार्म? ये कहाँ पड़ता है? ये डाचर और निसिंग के बीच है। तो निसिंग के पास ही आपका गांव उपलानी भी? हाँ, निसिंग 12 किलोमीटर पड़ जाए, 12-13 किलोमीटर जी। तो मौके पे दम तोड़ दिया था बच्चा? हाँ जी। तो आप देख सकते हैं कि पिता के लिए बता पाना भी कितना ज़्यादा मुश्किल है। और भी परिवार के कुछ यहाँ पर सदस्य मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक 10 महीने के बच्चे ने कल अपना पिता खो दिया? हाँ जी, बड़ा दुख है जी। हमें परिवार का सारा सिस्टम उसी के हाथ में जाए। 4 साल हुए, पिछले साल गुड़िया की शादी करी थी हमने जी। अभी तो हमें गुड़िया से भी नहीं बताया, गुड़िया का भी बच्चा उन्दू है जी। अभी गुड़िया को उसके ससुराल में भी नहीं बताया हमें कि जो इनके हैं ना। हाँ, अभी उसको भी नहीं बताया हमने लड़की को। हाँ, इसको बताया नहीं अभी भी। ये हुआ हमारे को तो रात 10:30-11 बजे के करीब पता लग गया जी। और गाड़ी वाले एक इतना बड़ा हादसा कर दिया। गाड़ी का नहीं मैम, कुछ भी पता नहीं। प्राइवेट गाड़ी थी? हाँ, प्राइवेट थी। प्राइवेट गाड़ी? हाँ, गाड़ी वाले ने। फरार होगी? फरार तो नहीं हुई सर, ऐसा है मैम, वो फरार भी हो जाता उनकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, उनकी मजबूरी होगी वो लड़का उठाना। आमने सामने की टक्कर है, उनकी मजबूरी होगी वो लड़का उठाना। वो उठा के ले गए और हॉस्पिटल में जाके डेड होता। पुलिस वाले पता नहीं जी आए कि ना आए, मुझे जी इस बात का। कौन सा का मामला हुआ दर्ज? कौन से पुलिस? ये निसिंग थाना जी। निसिंग थाना? हाँ जी। पुलिस अब यहाँ आएगी? अभी 10 मिनट में आ जाएगी पुलिस जी। रास्ते में क्या कार्रवाई चाहते हैं पुलिस? ऐसा जी, हमें इंसाफ चाहिए हमारे तो। सरकार से कोई मुआवजा चाहते हैं? सरकार से मुआवजा, सहारा हो जाए जी, सहारा हो जाए जी। अब वो तो चले गए जी, घर का तो सिस्टम खत्म कर देते हैं। कौन लगते हैं? चाचा जी उसका। हाँ जी, चाचा हैं आप देख सकते हैं, और चाचा की आंखें भी नम हैं बताते हुए अपने आप में। परिवार को
परिवार को काफ़ी ज़्यादा दुख पहुंचा है और एक दर्दनाक हादसा ये कल रात का रहा। निसिंग के पास ही ये हादसा रहा, निसिंग और डाचर के बीच में बताया जा रहा है। उपलानी गांव के रहने वाले ये खुद थे और परिवार में यानी 4 साल बीरबल सिंह की शादी को हुए थे और 10 महीने का उनका एक बेटा भी है। आप समझिए कि उस बेटे को तो अभी सही तरीके से अपने पिता को वो महसूस भी नहीं कर पा रहा होगा। 10 महीने का बच्चा क्या होता है और उस बच्चे को ये भी नहीं पता कि अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील कि जो भी लोग इस खबर को, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, इन वीडियोस को भी शेयर करने के पीछे और करवाने के पीछे हमारा मकसद यही रहता है ताकि पुलिस प्रशासन तक भी ये जानकारी पहुँच पाए कि उन्हें भी जल्द से जल्द कार्रवाई करनी है और परिवार को भी ज़रूर कोई आर्थिक मदद मिल पाए। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखें और इसे शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे हैं M24, मैं हूँ महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।